15 सालों से हम लोग डेयरी टर्नकी प्रोजेक्ट्स करते हैं। बेसिकली 15-16 साल पहले जब हमने अपनी कंपनी स्टार्टअप किया था तो इससे पहले मैं जॉब करता था, तो उस समय जो कि हम लोग डेयरी इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो इसमें कोई भी ब्रेकडाउन मशीनरी की कोई भी ब्रेकडाउन उसको जो है हम हैंडल नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या होता है इसमें पहले मल्टीनेशनल्स कंपनी या जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी इतनी फॉर्मेलिटीज होती थी कि साइट पे आने के लिए, तो हमने उसको हैंडल करना अपने आप शुरू किया। जो भी कोई ब्रेकडाउन होता था उसको हैंडल करना, इससे मेरा धीरे धीरे इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोजर हो गया मशीनरीज को कैसे इंस्टॉल करें। 89 के बाद डी लाइसेंसिंग हुई डेयरी सेक्टर्स में, जब डी लाइसेंसिंग होने के बाद जो है डेयरी इंडस्ट्री ग्रो किया, और इसमें क्या मल्टीनेशनल्स थे उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे इस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, तो हमने उसको स्टार्ट किया। लेकिन वो एक बेसिकली कि स्टार्टअप के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो फंडिंग की होती है और उनके साथ कंप्लीट करना। तो हमने जो है वर्कशॉप को अपने मैंने एक रेंट पे लिया, कोई बाहर से फंडिंग नहीं ली, सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट को जब लगाया और हमने ऑल ओवर इंडिया एंड एब्रॉड में टोटल हमने अब तक 55 प्रोजेक्ट्स हमने टर्नकी प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूड वो कर चुके हैं, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रुड़की में है उत्तराखंड में। बेसिकली टर्नकी प्रोजेक्ट्स से होते हैं डेयरी सेक्टर्स के, जैसे कोई भी प्लांट को अगर सेटअप करना है तो हम लोग उसको टोटल प्रोडक्ट को सेटअप करते हैं। मेरी स्पेशलाइजेशन है जैसे मिल्क से मिल्क पाउडर बनाते हैं, घी बनाते हैं, चीज बटर पनीर, ये कोई भी प्रोडक्ट हम मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स है उसकी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड साइट के ऊपर उसको इंस्टॉल करके हैंड ओवर करते हैं। हमने अफ्रीकन कंट्रीज में हमने युगांडा में फर्स्ट पाउडर प्लांट लगाया था, जो अफ्रीका का फर्स्ट पाउडर प्लांट था 2017 में। और हमारा जहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज का सवाल है, हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज अराउंड 200, तो विदाउट टीम मेंबर के कोई भी कंपनी सक्सीड नहीं हो सकती है, और उसके लिए उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको उसे कैटर करना पड़ता है। सबसे पहले तो हार्डवर्क और पेशेंस, अगर पेशेंस नहीं होगा हार्डवर्क करेंगे और इसके बाद उसको छोड़ देंगे तो कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता।